Hi, this is Khushbu with a new chapter of maths, which is triangles. So, are you aware of love triangles? You must be. But are you aware of mathematical triangles? So, mathematical triangles में अभी तक आपने class 7th में class 9th में आपने congruency पढ़ी है. But अब हम करेंगे similarity of triangles. So, basically congruency और similarity में difference क्या है? So, let's suppose एक triangle है. ये इसको हम क्या कहेंगे ट्राइंगल. इसको हम क्या कहेंगे ट्राइंगल. दोनों सेम है, इसको हम ये भी कह सकते हैं दोनों का नाम एक ही है, ट्राइंगल है. सिमिलैरिटी इज बेसिकली दो चीजें सेम है. दिस इज बेसिकली सिमिलैरिटी, सिमिलर नंबर एंड टू थिंग्स आर सिमिलर. अगर मैं एक ये बनाती हूँ और एक ये बनाती हूँ, आप देखें क्या ये सेम है? नहीं. That means similarity है जो दो चीजें similar है. For example, ये एक circle है, ये एक circle है, आधे similar? Yes. अगर ये एक square है, ये एक square है, या ये rectangle है, ये आधे similar? Yes. So congruency है similarity में basic difference ये है. Congruent का मतलब होता है दोनों चीजें बिल्कुल equal है. लेकिन similarity में ये नहीं होता. Similarity means दो चीजें same है तो वो similar है. For example, अगर मेरा ये ट्रायंगल साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है. दूसरे ट्रायंगल के साइड ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है. आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस. आर दीस कॉन्ग्रुएंट? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं. क्यों? क्योंकि जब तक उसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगे उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं मान सकते. तो कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए उसका सब कुछ सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए. लेकिन सिमिलैरिटी होने के लिए अगर उसके अपीयरेंस सेम है तो उसको मान सकते हैं वो सिमिलर है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉलीगन है, ये दूसरा पॉलीगन है, इसका ये साइड है 2 सेंटीमीटर, इसका साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 6, ये साइड है 4, ये साइड है 8, ये साइड है 5, ये साइड है 10, और लेट्स सपोज ये साइड है 6, ये साइड है 12. ये अंदर मैं मान लेती हूँ दिस इज 130, दिस इज 120, 110, 90, 70, दिस इज 130, 110, 120, लेट्स सपोज दिस वे This is 90, so this is 10. सारे angles same हैं, सारे angles equal हैं, sides equal नहीं, but proportional है. ये वाला side और ये वाला side है 2/3, proportional है 1/2 है. ये 3 है, ये 6 है. इनको ratio check करें 1/2 है. ये 4 है, ये 8 है. इसका ratio check करें 1/2 है. Same ways 5/10 का 1/2 है, 6/12 का 1/2 है. तो हर एक का रेशियो दैट मींस सारे के सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है और सारे एंगल्स इक्वल है. तो सिमिलैरिटी का फर्स्ट रूल ये है कि दो चीजें तब सिमिलर होंगी अगर उनके सारे एंगल्स इक्वल है, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए. कॉन्ग्रुएंसी में आप पढ़ते थे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स भी इक्वल होने चाहिए. बट सिमिलैरिटी में हम कहते हैं प्रोपोर्शनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक एंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी और डी ई एफ, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे. फर्स्ट एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल बी के, एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ. सारे एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. अब बात आती है साइड्स. साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. दैट मींस ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, सी बी अपॉन डी बी इक्वल होना चाहिए किससे? ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, ए सी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, तो बी सी अपॉन ई एफ. सारे एंगल्स इक्वल हो, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है. कॉन्ग्रुएंसी में आप कहते हैं कि दो ट्रायंगल तब कॉम्प्लीमेंट है, दो फिगर्स तब कॉम्प्लीमेंट है जब सारे एंगल्स सारे साइड्स इक्वल है. सो ये डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी.
So, अब हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द क्वेश्चंस. टिल देन गुड बाय.